Welcome to our YouTube channel program GurMantra Siksha Ka Granth. If in any way this channel is helping you, please subscribe, share and like our videos and make your contribution in free education mission. For official page of GurMantra, please visit this address. And if you have any kind of feedback, do share it in comment box. These are the three addresses which can be very much helpful for you guys. This is my official Facebook page and this is the link for YouTube channel of GurMantra where you can subscribe yourself. And this is the address for GurMantra website jahan par bahut sari standard ebooks present hai, module wise ebooks present hai, bahut sari domain se related, bahut sari subjects se related. Aap chahe to free of cost jo hai PDF version unka download kar sakte hain, unka maximum benefit le sakte. Hey guys, welcome to GurMantra. So here are some previous year questions on sales cycle control and regulation. See guys, hum topic padh lete hain, but jab tak hum unki questions solve nahi karte, kuch practice sessions nahi kar lete, then actual previous year mein kitne questions aaye hue hain relevant to that, wo analyze nahi kar lete, tab tak jo hai baat nahi banti. Fine. So, इसी thought process के साथ ही जो है मैंने इसी thought के साथ जो है basically ये video जो है upload किया है so that आप लोगों की help हो सके. Question solve करवाते करवाते मैं कुछ बातें भी आपको बताऊंगी जो कि आपको ध्यान रखनी है and I'm damn sure कि final examination देते समय वो सभी की सभी बातें, वो सभी की सभी tips आप लोगों के बहुत काम आएंगे. चलिए start करते हैं. Alright guys, so this is a question from December 2015. सेक्शन बी का क्वेश्चन है, कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं सेल साइकिल के स्टेटमेंट्स की फॉर्म में एंड यू हैव टू फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन मेमेलियन सेल साइकिल. तो देखिए पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, फॉस्फोराइलेशन ऑफ लैमिन ए बी सी. दूसरा है फॉस्फोराइलेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा. तीसरा है पॉलीयूबिक्यूटाइनेशन ऑफ सिक्योरिन. नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ इनर न्यूक्लियर मैम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन विद क्रोमोसोम्स. एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आपने जो ऑलरेडी मैं पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ सेल साइकिल कंट्रोल रेगुलेशन सेल साइकिल से रिलेवेंट वो देखे होंगे तो डेफिनेटली इसमें जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उन सबका मतलब आप समझ पा रहे होंगे. ठीक है. अच्छा जी, अब हमें इसमें करेक्ट सीक्वेंस जो है फाइंड करना है. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ऑड ऑप्शंस हटाने हैं. देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं कि या तो पहला स्टेप ए है या पहला स्टेप बी है या पहला स्टेप सी. तो डी तो ऑब्वियसली किसी में दे ही नहीं रखा है, वो है भी नहीं. ठीक है. अच्छा जी, अगर हम पहला स्टेप ए लेते हैं दैट इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ लेमन ए बी सी. ठीक है. अच्छा जी, दूसरा हम ये ऑप्शन कंसिडर करते हैं थर्ड वाला, बिकॉज अभी क्या है हमको जो है ऑड ऑप्शन बिल्कुल हटाने हैं सो दैट हमारा क्वेश्चन ज़्यादा ईजी हो जाए सॉल्व करने के लिए. पॉलीयूबिक्यूटाइनेशन ऑफ सिक्योरिन. देखिए अगर आपने सेल साइकिल रेगुलेशन में चेक पॉइंट्स के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ मैंने सिक्योरिन और सेपरेस के बारे में बताया था. ठीक है, जो कि एनाफेज में जो है जाकर हो रहा था, जहाँ स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट होता है वहाँ जाकर जो है परफॉर्म हो रहा था. ठीक है, मतलब कि माइटोसिस की बात कर रहे हैं, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं वहाँ जो है ये प्रोसेस होता है कि सिक्योरिन का पॉलीयूबिक्यूटाइनेशन हो जाता है. तो ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप नहीं है बिकॉज साइकिल जो जीवन से स्टार्ट हो रही है. ठीक है, तो सी थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है. अच्छा जी, अब हमारे पास बचते हैं ए एंड बी. बी को देखते हैं. बी कहता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा एंड ए कहता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ लेमिन ए बी सी. तो देखिए क्या होता है एक्चुअली, पहले लेमन्स की बात करते हैं. लेमन ए बी सी दे रखा है. लेमन ए एंड सी की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो दे आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर लेमिना. ठीक है, बेसिकली मैश वर्क ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स अंडरलाइंग द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब लेमन नेटवर्क क्या करता है, बेसिकली एंकरेज जो है वो प्रोवाइड करता है. इट्स लाइक एन एंकरिंग अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ स्ट्रक्चर एंड लिंकर प्रोटीन्स. ठीक है, एंड डायरेक्टली जो है इंटरैक्ट कर रहा है ये सेल साइकिल के प्रोग्रेशन में. अब क्या होता है कि फॉस्फोराइलेशन ही जो है एक मेन इवेंट है जो कि होगा सेल साइकिल में. ठीक है, सेल साइकिल में हमने मैंने आपको काफ़ी साइक्लिन सी डी केस के बारे में बताया एंड मैंने आपको ये भी बताया कि फॉस्फोराइलेशन का इवेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेमन्स क्या है, बेसिकली फिलामेंटियस प्रोटीन्स हैं जो कि मैश लाइक लेयर बनाते हैं इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल्स.
बहुत वैरायटी ऑफ फंक्शंस जो है उनके होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्रोमेटिन को ऑर्गेनाइज करना, डीएनए रेप्लिकेशन को रेगुलेट करना, इस तरीके से। ठीक है, अगर हम लेमन की फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो फॉस्फोराइलेशन जो है कॉन्टिन्यूसली होता रहता है अगर हम इंटरफेस पीरियड्स की बात करते हैं। ठीक है, पूरा कोऑर्डिनेटेड वर्क होता है एंड सिग्निफिकेंट फॉस्फोराइलेशन ही जो है ओनली डिटेक्टेबल चेंज होता है जो कि हेल्प आउट करता है बताने में कि सेल साइकिल जो है आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों स्टेप्स में कंपेयर करें तो पहले जो है रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन होगा। मैंने रेटिनोब्लास्टोमा का पूरा जो है प्रोसेस का स्टेप्स दिखाया था, सारा प्रोसेस समझाया था। ठीक है, फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा विल टेक प्लेस एंड आफ्टरवर्ड्स जो है लेमन ए बी सी का फॉस्फोराइलेशन होता है। तो ये चीज़ तो हमारी बिल्कुल क्लियर है कि बी ही ऑप्शन होगा, बट अगेन बी यहाँ पर दो बार दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, एंड स्टेप देखो, एंड इसमें बोला हुआ है फॉस्फोराइलेशन ऑफ लेमन ए बी सी, एक तो ए ये दे रखा है, एक दे रखा है एसोसिएशन ऑफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स विद द क्रोमोसोम। आप सही से कोशिश कीजिए समझने की, एक बार तो क्या होता है डिसोसिएशन होता है, अंत में आके फिर से एसोसिएशन होता है जब जो है डॉटर सेल जो है सेल जो है एक्चुअली डिवाइड करने वाला होता है डॉटर सेल्स में। ठीक है, सो ऑब्वियसली डी जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर भी ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया चीज़ें सॉल्व करने का, अगर आपको इस सब्जेक्ट की टॉपिक की बेसिकली नॉलेज है देन आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में क्वेश्चन डेफिनेटली कर सकते थे विद करेक्ट स्टेप्स। सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, उसके बाद लेमन्स का फॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, उसके बाद यूबिक्यूटाइनेशन होगा सिक्योरिन का एंड अंत में जाके जो है एसोसिएशन होता है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, जब अगर अलग अलग पोल्स पर जो है क्रोमोसोम्स चले जाते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स भी जो है दोबारा बनता है अराउंड द जेनेटिक मटीरियल एंड फिर उसके बाद जो है डॉटर सेल में साइटोकाइनेसिस के दौरान जो है उसके बाद जो है डिविजन हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी द फोर्थ वन। नेक्स्ट पर चलते हैं, दिसंबर 2015 के ही क्वेश्चन है फ्रॉम सेक्शन सी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्स इन अ पॉपुलेशन दैट आर अंडरगोइंग माइटोसिस इज अ कन्वीनियंट वे टू एस्टिमेट द लेंथ ऑफ सेल साइकिल। माइटोटिक इंडेक्स एक ऐसा तरीका है जिससे लेंथ ऑफ सेल साइकिल जो है हम जान सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंटल केस दिया है कि सेल्स इन ऑर्डर टू मेजर द सेल साइकिल इन लीवर ऑफ एडल्ट माउस बाय मेजरिंग द माइटोटिक इंडेक्स। क्या हुआ कि लीवर स्लाइसेस जो है प्रिपेयर किए गए, उनको स्टेन किया गया ये जानने के लिए कि कौन से सेल्स जो है माइटोसिस में जा रहे हैं। ठीक है, एंड प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के बाद पता चला कि 25,000 मतलब कि 25,000 सेल में से ओनली 3 सेल्स वर देयर दैट आर फाउंड टू बी अंडरगोइंग माइटोसिस। अब एज्यूम हम करते हैं कि एम फेज जो है वो लास्टली आधे घंटे के लिए रहता है या 30 मिनट्स के लिए रहता है, तो गिवन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट सेल साइकिल की लेंथ क्या होगी इन लीवर ऑफ एन एडल्ट माउस। चार ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं। देखिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है हमारे पास, कुछ कैलकुलेटिव सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आता है, हालांकि बहुत ज़्यादा तो कैलकुलेशन नहीं है, कुछ ही गिनी चुनी कैलकुलेशन है जिनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूँ एंड यहाँ पर अगेन जो है हम देख रहे हैं माइटोटिक इंडेक्स के बारे में। तो देखिए, इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो कि आपको फॉलो ऑन करना होगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, माइटोटिक इंडेक्स हम निकालते हैं नंबर ऑफ सेल्स इन माइटोसिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल्स इनटू 100। बिकॉज माइटोटिक इंडेक्स निकाल रहे हैं तो माइटोसिस के ही सेल्स को जो है कंसिडर करेंगे एंड ऑब्वियसली माइटोसिस कोई अकेली तो है नहीं, स्टेज अकेला तो है नहीं, सब स्टेजेस भी इसमें इंक्लूडेड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। हालांकि यहाँ आपको जो है एग्जैक्टली दे दिया कि तीन ही मिले, अगर आपको अलग अलग मिलते हैं प्रोफेज में अलग, मेटाफेज में अलग, एनाफेज में अलग, टेलोफेज में अलग, तो आपको सबको ठीक है एंड डिवाइडेड बाय जो है 1000 कर देना है अगर आपको टोटल सेल्स नहीं दे रखे तो। यहाँ में बिल्कुल साफ साफ क्लू दे रखा है कि 3 सेल्स ही मिले हैं 25,000 में जो कि माइटोसिस में जा रहे थे, तो सिंपली हम माइटोटिक इंडेक्स निकाल लेंगे, दैट विल बी 0.0012 इंटू 100। ठीक है, 100 की वैल्यू भी हम लेंगे। अब माइटोटिक इंडेक्स जो हमारा निकल कर आया उससे क्या सिग्निफाई होता है, मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्स इन अ पॉपुलेशन जो कि माइटोसिस की गो थ्रू हो रही है दैट इज इतनी। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है हमें अप्रॉक्सीमेट लेंथ निकालनी थी तो हमें टाइम का फैक्टर भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ हमें 30 मिनट्स दे रखा है मतलब हम 0.5 आवर्स जो है वो रख सकते हैं। तो इस तरीके से जितना टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है एंड जितना जो है आपको फाइनल माइटोटिक इंडेक्स निकल कर आया है उसको आप जो है फ्रैक्शन में लेकर फाइनल आउटकम कितने समय तक रहा दैट इज 41
0.67 यानी कि अराउंड 42 आवर्स ही हो गया, इतने समय तक जो है अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ सेल साइकिल होगी इन द लीवर ऑफ एन एडल्ट माउस सेल्स। सिर्फ और सिर्फ नंबर बदलेंगी, टोटल सेल्स बदलेंगी, टाइम बदल जाएगा, चीज़ें वही रहेंगी। सो आई होप कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है, ये भी सेक्शन सी से है। ड्यूरिंग सेल साइकिल प्रोग्रेशन फ्रॉम G1 टू S, साइक्लिन डी CDK4 फॉस्फोराइलेट रेटिनोब्लास्टोमेन रिड्यूस इट्स एफिनिटी फॉर E2F. E2F डिसोसिएट फ्रॉम रेटिनोब्लास्टोमेन एक्टिवेट एज फेस जीन एक्सप्रेशन। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन ए अरेस्ट G1 फेस प्रोग्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए, ये हमें चीज़ें दे रखी हैं, पहले तो इसने आपको सारी बातें बताई एंड अंत में आके, लास्ट में आके, लास्ट स्टेटमेंट में आके इसने आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब इस क्वेश्चन में दो तीन चीज़ों का साफ साफ आपको मतलब पता होना चाहिए, उसका आइडिया होना चाहिए। इनमें सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, हमने रेटिनोब्लास्टोमा का रेगुलेशन भी देखा था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, सारे पार्ट्स मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, प्लीज़ देखिए, आपकी नॉलेज डेफिनेटली एनहेंस होगी। अच्छा जी, अब ये क्या बोल रहा है कि अगर ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है प्रोटीन ए का तो जो सेल साइकिल है वो G1 में अरेस्ट हो जाती है। चार गिवन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू होगी? सबसे पहले हम और चीज़ों को हटाएंगे, ठीक है। देखिए, ए इनहिबिट्स रेटिनोब्लास्टोमा E2F इंटरेक्शन, जबकि ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा था कि साइक्लिन ए जो है वो रेटिनोब्लास्टोमा और E2F के इंटरेक्शन को रोकता है, सो दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ए फॉस्फोराइलेट E2F, ऐसा भी नहीं है, ये तो साइक्लिन है, CDK तो नहीं है जो फॉस्फोराइलेट करेगा, एंड फॉस्फोराइलेशन कौन कर रहा था? CDK4/6 कर रहे थे, ठीक है, G1 से। देखिए, रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, उसमें CDKs काइनेज एक्टिविटी जिसके पास है वही फॉस्फोराइलेट करेगा, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट बोलता है ए डीग्रेड रेटिनोब्लास्टोमा, दैट इज ऑल्सो नॉट अगेन करेक्ट, ठीक है। यूबिक्यूटाइनेशन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर कोई डिग्रेडेशन का रोल नहीं है, रेटिनोब्लास्टोमा तो क्या होगा? फॉस्फोराइलेट होगा, ठीक है। एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली वन थिंग, दैट इज सेकेंड, ए इनहिबिट CDK4 एक्टिविटी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, ये हम ऑड ऑप्शन हटाते हुए जो है, सॉरी, फाइनली हम सही आंसर तक पहुँचे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते, यहाँ पर मैंने आपको साइक्लिन CDKs भी याद करने बताए थे, आपको पता है G1 फेस में बेसिकली जो है CDK4 की एक्टिविटी का मेन रोल होता है, एंड G1 से ही प्रोग्रेस करके जो है रेटिनोब्लास्टोमा अगर फ्री कर देता है E2F को, तो E2F जो है S फेस के साइक्लिन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ए जो है वो CDK4 की कुछ एक्टिविटी को ज़रूर इनहिबिट कर रहा होगा, जिसकी वजह से सेल साइकिल जो है अरेस्ट हो गई है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द वेरी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइज, आई होप आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी, आपने एनालाइज किया होगा कि आप कितना जानते हैं। मैं आपको और भी प्रैक्टिस सेशंस कराऊंगी, एंड और भी जो है अभी काफ़ी सारा वीडियो रहते हैं रिगार्डिंग सेल साइकिल रेगुलेशन, और भी काफ़ी सारी वीडियोस रहती हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ, बता सकूँ चीज़ों को, सो दैट आपके सेल साइकिल से रिलेवेंट सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आने वाले और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है आपकी हेल्प हो जाए। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, जैसे कि आप सबको पता होगा कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी जो है, वहाँ पर भी अनअकैडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भी मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ मेरी लाइव क्लासेस होती हैं डेली, ठीक है। उसके लिए रिसेंटली एक सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है स्टार्ट हुआ है, उसके रिगार्डिंग मैंने लर्न फ्रॉम होम नाम से जो है एक वीडियो भी अपलोड की थी, आई होप आप सब बच्चों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए, डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प होगी। इन केस अगर आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन मॉडल आप ले सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो, सब्सक्रिप्शन क्या है, कैसे लेना है, किस तरीके से हमारा उसमें तैयारी होगी, क्या क्या हमें बेनिफिट्स होंगे, तो आप मुझसे क्वेरीज कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन मैं आपको बताऊं, पेड कोर्सेज हैं, बिकॉज डेली क्लासेस होती है, टॉप एजुकेटर्स उसमें पढ़ाते हैं, बट अगेन एक मैक्सिमम उसमें जो बहुत अच्छा बेनिफिट है, दैट इज ऑफ कि आपका जो टोटल अमाउंट है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, अगर मैं आपको एक रेफरल कोड बताती हूँ तो, ठीक है। अगर आपको रेफरल कोड जानना है, सब्सक्रिप्शन मॉडल ज्वाइन करना है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सो दैट मैं आपको उसके बारे में नॉलेज दे सकूँ। इन केस आप लर्न फ्रॉम होम नाम से ही जो है गुरुमंत्रा पर वीडियो अपलोडेड है, वो भी देखकर जान सकते हैं कि एक्जैक्टली सब्सक्रिप्शन क्या है, कैसे पढ़ाई होती, घर बैठे आप कैसे एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, लाइफ साइंसेस एग्जाम्स को, एंड किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो है टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाते हैं। सो गाइज,
अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए एंड रिलैक्स रहिए, पढ़ते रहिए, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। Thanks for watching our video. To subscribe on our channel, please press the subscribe button given below the video. And for regular updates and notification, don't forget to press the bell icon. For more information and query, do like my Facebook page and the link is given below. Thank you so much, guys. God bless you. Bye-bye. Take care.